हरियाणा के जिला नूह के पुनहाना में श्री श्याम सखा मंडल ब्रज धाम की ओर से होली मिलन समारोह के उपलक्ष में आज शहर भर में श्री श्याम निशाना यात्रा निकाली गई और बाबा के भजन एक बार आओ सावरिया मोरे आंगना भजनों की संगीत लहरियों पर थिरकते श्रद्धालुओं पर फूल व इत्र की वर्षा की गई। महिलाओं ने भी हाथों में निशान लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये यात्रा पंजाबी कॉलोनी होते हुए पुरानी सब्जी मंडी पुलिस चौकी होते हुए फिर मुक्ति धाम आश्रम पहुंची। इसके बाद यात्रा का समापन बाबा श्याम मंदिर पर हुआ। इस दौरान खाटू श्याम मंदिर के पुजारी श्री श्री 1008 श्री रामदास महाराज ने आरती कर निशान यात्रा में पूजन किया। प्रोग्राम जो किया जा रहा है बाबा निशान का, क्या उपलक्ष्य में किया गया है? प्रोग्राम हर एक साल होली मिलन के उपलक्ष्य में होता है। हर साल होली मिलन के उपलक्ष्य में खाटू श्याम परिवार के सभी लोग दूर दूर के मंडलें आती हैं। इसमें अभी 70 मंडल आई हुई हैं। जो बड़े बड़े श्याम प्रभु के भक्त हैं वो आते हैं यहाँ। इस बहाने सबको मिलन होता है, गांव परिवार सभी लोग मिलते हैं, मिलकर इकट्ठा गले गले लगते हैं, सबके प्रेम बढ़ते हैं, आहार बढ़ता है, प्रसाद पाते हैं, लोग बड़ी आनंद से उत्सव मनाते हैं। हम लोग सब जो भी इकट्ठा हुए हैं सब इन्हीं के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। हमारा धर्म यही कहता है कि धर्म किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। धर्म इसलिए होता है कि एक जगह हम इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर बैठेंगे, प्रसाद पाएंगे, सब एक थाली में खाएंगे, हमारा प्रेम बढ़ेगा, हमारा विचार बढ़ेगा। हम हर साल उत्सव इस समय मनाई जाती है। अब क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर? अब यहाँ बाबा के उपलक्ष्य में अखंड ज्योत जल रही है। सुबह झंडा निकाली गई, जैसे जिस परंपरा से रिंगव से झंडा उठकर खाटू से हम जाती है उसी परंपरा को यहाँ झंडा निकाला गया। झंडा निकाल कर यहाँ मंदिर पर चढ़ाया गया। उसके बाद में भगवान को भव्य श्रृंगार हुआ। श्रृंगार होने पर भगवान को ज्योत जली। ज्योत जलने पर ठाकुर जी के भोग प्रसाद कथा कीर्तन चल रही है। कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम प्रभु इच्छा तक चलेगी, इसको आपने नाम दिया है होली मिलन समारोह। फिर रंगों की होली होगी या फूलों की? फूलों की होगी। ठीक है। होली मिलन समारोह हर साल की तरह हमारे पुनहाने में और ये भव्य प्रोग्राम बनता है। उसके अलावा ये है कि भाई बाहर से जो नाट विवाद से हमारे जो मतलब बाहर से लोग आए और हमारा सबका ही यहाँ मिलन समारोह। झंडे उठाए गए हैं, पहली बार उठाए गए हैं। हाँ, पुनाने में ये झंडे पहली दफा उठाए गए। किस नाम से कहाँ तक चले? ये श्री राधा मंदिर पंजाबी धर्म पंजाबी मंदिर के है, राधा धर्मशाला वहाँ पे। किस संस्था के माध्यम से ये प्रोग्राम किया गया है? ये संस्था श्री श्याम सखा मंडल ब्रजराट मेवात के माध्यम से ये किया गया है और वहाँ से पहली दफा ये यात्रा निकाली। अब क्या प्रोग्राम? हमारा मिलन समारोह का यहाँ प्रोग्राम है। खाटू श्याम का यहाँ मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर पे ब्रजराट मेवात यहाँ के सभी जो है श्याम भक्त आए हुए हैं। यहाँ पे श्याम भक्त होली मिलन समारोह यहाँ कर रहे हैं। सब इसमें भोजन प्रसाद की और अपनी जो भी इधर उधर की थोड़ी बहुत कीर्तन चल रहा है। इसके बाद क्या है रात का प्रोग्राम? ये 5 दिन तक प्रोग्राम चलेगा, भोजन प्रसादी का चलता रहेगा, ये भजन कीर्तन चलता रहेगा और उसके बाद जिसमें उत्तर प्रदेश का एरिया, राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का क्षेत्र आता है। इसमें लगभग 150 श्याम सखा मंडल है। प्रतिवर्ष इनका एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार पुनहाना की पावन धरती को, इस पवित्र जगह को इस होली मिलन समारोह के लिए चयन किया गया है।
150 श्याम परिवार श्याम सखा मंडल के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं और प्रधाना के साथ में और भी क्षेत्रों के लोग यहाँ हैं। सभी लोग मिलकर यहाँ पे फूलों की होली खेलेंगे और जो सुबह यहाँ पर श्याम निशान यात्रा निकाली गई थी वो श्याम निशान एक श्याम ध्वजा होती है वो यहाँ के कार्यक्रम के बाद में खाटू शीश के दानी खाटू धाम में जो मंदिर है वहाँ मंदिर पर वह ध्वजा चढ़ी। हरियाणा के पुनहाना से केकेडी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार की रिपोर्ट। बहराइच हुजूरपुर के हनुमान मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा प्रेमिया गेस्ट सप्त दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य यजमान ध्रुव कुमार मिश्रा और कथा व्यास पंडित जय कृष्ण जी महाराज द्वारा कलश यात्रा कराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं मथुरा वृंदावन से पधारे कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गयी। साथ ही इस मौके पर व्यवस्थापक गढ़ हनुमान मंदिर पुजारी हरिनारायण पाठक डॉक्टर महेंद्र पाठक प्रदीप कुमार सिंह सहित कई अन्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कौन सा ऐसा व्यक्ति मिल गया, ऐसा महात्मा मिल गया जिसने समझा दिया और मुझे समझ में आ गया उसको बात। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट।